first of all, you can see here deflection of volume. First, the first question is that is why we study this chapter. Is it clear? Correct? Because जब तक आपको मोटिव नहीं पता होगा तब तक इसके स्टडी करने में आपको मजा नहीं आया. करेक्ट है. और इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वाई वी कैलकुलेट डिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? सो हियर वी हैव फ्यू थिंग्स लाइक यू कैन सी हियर दैट इज एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर. वाइल एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन एट ए मैक्सिमम लोड हाउ मच मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑकर्स एंड See whether this deflection is within permissible limit or not. Is it clear? तो इसको पता करने के लिए आपको deflection calculate करना पड़ेगा whether your deflection is within permissible limit or not. If it is within the permissible limit, then your design is correct. And if it is more than your permissible limit, then your design will fail. Yes or no? Correct. For safe design, you must know that for maximum loading, how much deflection occurs. करेक्ट. तभी आपको पता चलेगा कि जो डिफ्लेक्शन है वो विद इन द लिमिट है या नहीं है. करेक्ट है. ओके. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. नेक्स्ट है दैट इज एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. करेक्ट है दोस्तों. मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी हैव इनडिटर्मिनेट बीम्स और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर देन वी नीड सम मोर इक्वेशंस एंड दीज इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर concept that is deflection of beam. Is that clear? So for analysis of indeterminate structure, again we need this chapter. Yes or no? Third one, that is dynamic analysis. For example, as we know that in machine element, in any machine or aircraft or any machine elements are subjected to some vibration. Yes or no? Correct. तो उस vibration को analysis करने के लिए दोस्तों आपको जरूरत होती है डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना. ये सामने. और इवन अगर आपने वाइब्रेशन पढ़ा है तो वहां पे आपने एक डंकरली मेथड पढ़ा होगा जिसमें आपने वाइब्रेशन डिफ्लेक्शन की हेल्प से वाइब्रेशन को कैलकुलेट किया था. ये सामने. करेक्ट है. तो अगेन डायनेमिक एनालिसिस के लिए डायनेमिक एनालिसिस ऑफ मशीन पार्ट और एयरक्राफ्ट और रिस्पॉन्स ऑफ बिल्डिंग्स टू अर्थक्वेक. करेक्ट. अर्थक्वेक के केस में अर्थक्वेक के टाइम पे बिल्डिंग कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है इन सारे एनालिसिस को हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस टर्म दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम. इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. दैट इज मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग बीम डिफ्लेक्शंस. करेक्ट. सो हियर वी हैव फाइव मेथड्स. दैट इज फर्स्ट वन दैट इज डबल इंटीग्रेशन मेथड, एरिया मूवमेंट मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन. और इसी डबल इंटीग्रेशन मेथड का एक और पार्ट है दैट इज मैकेलेज मेथड. करेक्ट. मैकेलेज मेथड जिसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी फंक्शन मेथड और पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड. करेक्ट. तो दोस्तों ये सारे मेथड्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स को डिस्क्राइब करूंगा लाइक डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकेलेज मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड. करेक्ट है. ये मेथड्स मैं आपको बताऊंगा. रिमेनिंग मेथड्स मैं सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये पढ़ाएं. करेक्ट है. तो चलिए देखते हैं. इवन गेट एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इनमें से किसी भी मेथड की नीड नहीं होगी. करेक्ट है. फिर भी आपको पता होना चाहिए. करेक्ट है दोस्तों. तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट. दैट इज साइन कन्वेंशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन. जैसे हमने सीयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट के केस में साइन कन्वेंशन पढ़ा था दोस्तों. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइन कन्वेंशन वी कैन एनालाइज, वी कैन ड्रॉ सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द बीम. यस आर नो? इन सेम मैनर वी कैन ऑल्सो फॉलो हियर साइन कन्वेंशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बीम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम. सो लेट अस सी हियर. Suppose we have a cantilever beam like this. Is it clear? This is a cantilever beam and this straight beam is called as undeflected beam and it is subjected to a point load like this. This is point load at its free end. Correct? And this end is fixed. So, is condition ko dosto hum kehte this is called as, this beam is called as undeflected beam. Undeflected beam or simply कह सकते हो ये position आपको कब मिलेगी when there is no load. Now as you apply load then it will deflected. Yes or no? Like this. ये beam कुछ इस तरीके से deflect हो गई दोस्तों. तो इसे कहते हैं हम deflection curve. इसे कहते हैं दोस्तों हम
इधर यू कैन से डिफ्लेक्शन कर्व और डिफ्लेक्टेड बीम, करेक्ट? दिस इज डिफ्लेक्शन कर्व, और सिंपली यू कैन से डिफ्लेक्टेड बीम, करेक्ट? तो दोस्तों सबसे पहला हमारा यहां पे साइन कन्वेंशन होगा. सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बता दूं. इफ यू मेजर द डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट, इज इट क्लियर? लाइक दिस, इन इस डायरेक्शन में अगर आप एक्स डिस्टेंस मेजर करोगे, देन इट मस्ट बी कंसिडर एज पॉजिटिव एक्स, इज इट क्लियर? देन इट मस्ट बी कंसिडर एज पॉजिटिव एक्स. टूवर्ड्स द राइट पॉजिटिव एक्स होगा, देन एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव. एंड सिमिलरली यू कैन सी इफ यू हैव अ डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम अबव द बेस लाइन और अबव द अनडिफ्लेक्टेड बीम, then here we can say this is positive y, and if the beam can deflect it below the undeflected curve then this is considered as negative y, yes or no? So I think dosto yahan pe samajh mein aa gaya positive and negative deflection, yes or no? Is it clear? And next if we talk about theta, suppose if I draw a tangent with respect to this deflected curve like this, agar yahan pe hum dosto ek tangent draw kare, then you can see here. Then you can see here, if measure the angle from undeflected curve, ये आपका reference undeflected curve, correct है दोस्तों? और हमने यहाँ पे tangent की position को जैसे हमने find out किया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? clockwise direction में, this is theta, correct है? यहाँ पे हमारा sign convention होगा, if you have theta in clockwise direction, then the slope will be considered as, अगर ये theta in clockwise direction में दोस्तों, तो जो slope होगा इस deflected curve का, slope of deflected curve must be considered as negative, is it clear? करेक्ट है? तो अगर यहां पे आपका जो ये जो थीटा की पोजीशन है, इफ इट इज इन क्लॉक वाइज देन द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज नेगेटिव, इज इट क्लियर? इसे हम नेगेटिव कहेंगे, करेक्ट? तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया. तो यहां पे हमने देखा कि एक्स को हम पॉजिटिव कब कहेंगे? व्हेन इट इज मेजर्ड टूवर्ड्स द राइट, करेक्ट? देन इट विल बी कंसिडर एज पॉजिटिव. एंड सिमिलरली इफ द डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस अबव द अनडिफ्लेक्टेड कर्व और सॉरी अनडिफ्लेक्टेड बीम, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. एंड if we have deflection below the undeflected beam then it is called as negative deflection, yes or no? Similarly you can see here, suppose we have another cantilever beam like this, correct? And in this case the load is acting upward direction at the free end like this, instead of downward here we have upward force, yes or no? Correct. And due to this force what will happen? This beam may deflect like this, yes or no? Kuch is tarike se deflection hoga dosto. And now you can see here, if you measure the distance from here, first you can see the first time convention, if you measure the distance from right to left, is it clear? Then it will be considered as negative. Is it clear? इसे क्या कहेंगे हम दोस्तों? This is negative. And similarly, यहाँ पे जो above deflection हो रहा है, यहाँ पे जो deflection है, this is positive y, yes or no? और now if I draw a tangent at this point, then you can see here it is looking like this. तो यहाँ पे जो inclination है कैसा है? In anti-clockwise direction, yes or no? Here we have theta in anti-clockwise. तो दोस्तों यहाँ पे जो slope है, slope will be positive. Here we consider slope will be positive. और theta किधर है आपका? anti-clockwise theta को दोस्तों हम positive कहेंगे. Yes or no? तो I think ये sign convention समझ में आ गया दोस्तों. Hello, anyone? अब आप मुझे बताओ यहाँ पे किसी को doubt है क्या? Correct है. अब next देखते हैं third one. That is यहाँ पे एज यूजुअल जो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन है दोस्तों, एज यूजुअल हम फॉलो करेंगे. इफ यू हैव अ बीम लाइक, इफ योर बीम इज डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, देन दिस इज कॉल्ड एज सैगिंग,
this is called as sagging, and again in this case we can consider this is positive bending moment, correct है? और याद रखना जितने भी अपवर्ड फोर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ही प्रोड्यूस करेंगे. एंड सिमिलरली इफ योर बीम कैन डिफ्लेक्टेड लाइक दिस लाइक हॉगिंग, इज इट क्लियर, देन दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. यस और नो, इसे क्या कहेंगे हम, दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. एंड रिमेंबर ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस ऑलवेज प्रोड्यूसेस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, दिस इज अवर थंब रूल, All downward forces produces negative bending moment. Correct? तो ये दोस्तों sign convention है. अगर यहाँ पे आपको किसी को कुछ doubt है तो आप मुझे बता सकते हो. Otherwise हम लोग next move on करेंगे दोस्तों. Anyone? Hello? किसी को doubt है दोस्तों? Clear है, very good. और दोस्तों अगर आपने lecture को like नहीं किया फटाफट like कर दो. All clear, very good. सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा. प्रतीक, सुरुचि, समझ में आ गया दोस्तों सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको हर एक प्रॉब्लम में ये चीज बताऊंगा कि कैसे हमने साइन कन्वेंशन को फॉलो किया और कैसे हमारी वैल्यूज करेक्टली अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन मिल रही है. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन कर्व, करेक्ट है? अब दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल से मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कराने वाला. मैं आपको बताता हूं कि ये डिफ्लेक्शन कर्व आया कैसे, करेक्ट है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, करेक्ट? तो सपोज यू कैन सी हियर, दिस इज अवर बीम, कैंटिलीवर बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड, इज इट क्लियर? सर आई एम गेटिंग जीरो फॉर स्टडीज बैरिंग लोड प्रॉब्लम, तो उसकी बात तो हम लोग दोस्तों या तो एंड में करेंगे, करेक्ट है, या क्लास के स्टार्ट में करेंगे, इन बिटवीन इसकी बात नहीं कर सकते, करेक्ट है रवि? करेक्ट. सपोज ड्यू टू दिस लोड द बीम मे बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, यस आर नो? ड्यू टू दिस लोड द बीम मे बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, एंड सपोज हियर इफ आई एम कंसिडरिंग टू पॉइंट्स लाइक दिस इन दिस बीम at a distance of x from fixed end, is it clear? Then the length of this L section is dx. एक बहुत small हमने element यहाँ पे consider किया beam में, correct है दोस्तों? And now you can see if I draw this radius or You can see here, correct है दोस्तों? अगर मैं इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करूं परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, करेक्ट है? अगर मैं इसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, करेक्ट है दोस्तों? इस टेंजेंट का ये परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट, लाइक दिस. तो ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं, करेक्ट? एट दिस पॉइंट both intersect to each other, yes or no? And this intersection point is nothing but this is called as center of curvature. Center of curvature means इस center, इस curvature के about beam आपका क्या हो रहा है दोस्तों, इस center के about deflect हो रहा beam, करेक्ट? एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज रेडियस अबाउट विच दिस बीम कैन डिफ्लेक्टेड, यस आर नो? इज इट क्लियर? नाउ इफ आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस डिफ्लेक्टेड कर्व, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी ओनली कर्वेचर, नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओनली कर्वेचर, एंड कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, रो इज अ कर्वेचर, and this is nothing but this is 1 by r, yes or no? Is that clear? और ये equation दोस्तों आता है d2y by dx square, और obviously ये कब आएगा दोस्तों, when we neglect the small terms, correct? d2y by dx square, ये एक mathematical equation है, equation of curvature, is that clear? तो मैं इस equation को यहाँ पे drawing में कर रहा हूँ कि equation curvature कहाँ से आया, correct है?
करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट ये आपको इक्वेशन मिला फ्रॉम मैथमेटिक्स, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा, याद हो अगर आपको, दैट इज एम अपॉन फ्लेक्चरल इक्वेशन, दैट इज एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, यस आर नो। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी हियर 1 by r is nothing but it can be simply written as m upon ei, m upon ei. This is equation number 2, yes or no? So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 simply here we can write m upon ei, m upon ei equal to d2 by y dx square, correct? तो यहां से दोस्तों क्या मिलेगा आपको, ei d2 by y dx square, this is equal to m, correct? तो ये हमारा final expression है, correct है? And this is nothing but, this says that this second derivative is nothing but, it is called, this is called as moment, bending moment, is it clear? और इसी, ये इसी को कहते हैं दोस्तों differential equation for deflection curve, yes or no? This is called as differential equation for deflection curve, and with the help of this equation we can find out deflection. और वो कैसे पता करेंगे, by integration of this equation, yes or no? करेक्ट, सो यू कैन सी हियर। और चलो यहीं पे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बता दूं दोस्तों, जब यहां पे मैंने लिखा ही है, यू कैन सी फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, या चलो नेक्स्ट स्लाइड में ही बताता हूं, यहां पे काफी कंजेस्टेड हो जाएगा, यहां पे देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज ई आई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, और इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे दोस्तों तो क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट इट इज सिंपली रिटन एज डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू, एंड इसे क्या कह सकते हैं हम, दिस इज डेल एम बाई डेल एक्स, एंड दिस डेल एम बाई डेल एक्स इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज सीयर फोर्स, इज इट क्लियर? एक और बार अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दू तो क्या इक्वेशन मिलेगा, यू कैन सी हियर d to the power 4 y d 4 y upon d x to the power 4, and this is equal to d 2 m upon d x square, and this is nothing but this is del s f y del x, और यही कहलाता है rate of loading, correct? Next अब इस equation को दोस्तों मैं integrate करूँ, after first integration here we can get ei into dy by dx, this is equal to, ये क्या आएगा दोस्तों, m dx, और simply we can say mx plus c1, is it clear? And this equation is nothing but this equation indicates that slope of deflected beam, is it clear? And this equation indicates bending moment, और ये सीयर फोर्स है, रेट ऑफ लोडिंग ऑलरेडी आपको पता है सानो। और इसी क्वेश्चन को एक बार और अगर हम यहां पे इंटीग्रेट कर दे दोस्तों, देन हियर वी कैन गेट ई आई इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। Here y is a deflection, yes or no? With the help of this equation we can find out deflection, and with the help of this equation you can find out slope, yes or no? So these are the five very important equations, correct? कई बार आपसे दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है match the following, और ऐसी five equations लिखी होगी और एक साइड आपके names लिखे होंगे, correct है दोस्तों? तो आपको यहाँ पे match करना होगा, तो I think आप लोग match कर लोगे क्या? Hello, anyone? फर्स्ट इक्वेशन आपको बताता है रेट ऑफ लोडिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टाइम का फंक्शन नहीं है।
and this is indicates that shear force, correct, and this is referred to bending moment. करेक्ट, तो ऐसे ये फाइव इक्वेशन है, इन्हें आप याद रखना. जनरली आपको ये तो पता रहती है, लेकिन आपको ये दो इक्वेशन नहीं पता रहती, तो सिंपल से इसको रटना भी नहीं है. यहां पे आपको देखो मूवमेंट का इक्वेशन था, आपको डेल एम बाई डेल एक्स और डी टू एम बाई डी एक्स स्क्वायर डेल एस एफ बाई डेल एक्स, ये सारे रिलेशन ऑलरेडी पता है, करेक्ट है. तो आपको यहां से पता चल जाएगा, आपको सिर्फ करना क्या है कि दिस इज योर रेफरेंस इक्वेशन, करेक्ट, दिस इज योर रेफरेंस इक्वेशन. इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ऐसी इक्वेशंस मिलेगी, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे कुछ ऐसी इक्वेशंस मिलेगी, यस आर नो, करेक्ट है. तो आई थिंक दोस्तों इसे याद रखोगे. एंड नाउ यू कैन सी हियर C1 C2, दीज आर द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स एंड दीज आर डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, इज इट क्लियर. इन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, यस आर नो, करेक्ट है दोस्तों. बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम इजीली इसे डिटरमिन कर सकते हैं. तो आई थिंक दोस्तों अभी तक जो भी हमने पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा. हेलो एनीवन, किसी को कुछ अभी भी डाउट हो तो बता देना दोस्तों. और ये क्वेश्चन करूंगा और इस क्वेश्चन के साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगा दोस्तों, करेक्ट है. और रिमेनिंग पोर्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, करेक्ट. और आप लोग ट्राई कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, काफी कुछ चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं. Now suppose here we have a cantilever beam, it is subjected to a point load at its free end like this, correct, a point load at its free end like this, and this is P, and the length of the beam is nothing but this is L, is it clear. So you can see here, whenever you have a cantilever beam, then first you write the reaction induced at this fixed support, correct, this is A एंड दिस इज बी. और इवन आप जब शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपने सीख लिया है तो आप इजिली यहां पर लिख सकते हो. तो यहां पर रिएक्शन क्या मिलेगा, हियर वी हैव अ वर्टिकल लोड जो कि इधर इस बीम में जो भी डाउनवर्ड लोड लग रहे थे उनका सम होगा, एंड हियर वी हैव ओनली वन लोड, दैट्स व्हाई इट इज सिंपली रिटन एज पी. यहां पर जो रिएक्शन आएगा दोस्तों पी, और इस पी की वजह से इस डायरेक्शन में एक मूवमेंट एक्ट होगा, यस आर नो. तो यहां पर जो रिएक्टिव मूवमेंट एक्ट होने वाला है, यू कैन सी हियर दिस इज रिएक्टिव मूवमेंट, इज इट क्लियर. यहां पे क्या लग रहा है, दिस इज रिएक्टिव मूवमेंट, और यहां पे जो लग रहा है दिस इज रिएक्टिव फोर्स, इज इट क्लियर. तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, दिस इज नथिंग बट दिस इज एम, और इस एम की वैल्यू होगी दैट इज पी इंटू एल. तो अब आप मुझे बताओ किसी को इस इक्वेशन में, इस सॉरी इन दोनों रिएक्शन को फाइंड आउट करने में किसी कोई डाउट है क्या, एनी वन बोलो, किसी को कुछ भी डाउट हो दोस्तों बता देना, बहुत ही क्रिटिकल है, आपको ध्यान से देखना है, करेक्ट है. वन बाय वन हम लोग क्रिस्टल क्लियर यहां पे देखने वाले कॉन्सेप्ट, करेक्ट. तो चलिए फिर यहां पे एक सेक्शन कंसिडर करने जा रहा हूं मैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम फिक्स्ड एंड, इज इट क्लियर. इस फिक्स्ड एंड में हम यहां पे इस डायरेक्शन में एक सेक्शन कंसिडर किए, यस आर नो, लाइक दिस. नाउ टेल मी बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन अबाउट दिस एक्स एक्स, bending moment about this x-axis, it is simply written as, देखो P force है, इसकी वजह से movement आएगा positive, तो P into x, और यहां पे देखो this P is produces clockwise couple about this x-axis cross section and it is considered as positive, therefore this moment must be considered as negative because it is acting in anti-clockwise direction. तो यहां पे PL moment क्या हुआ दोस्तों, this is negative, करेक्ट है. तो आई थिंक आप मुझे बताओ यहां पे आपको डाउट है क्या कि क्यों हमने पीएक्स को पॉजिटिव और पीएल को नेगेटिव लिया है. हेलो एनीवन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बालक नहीं होगी यहां पे क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट नहीं हो रहा है, करेक्ट है. और ऑब्वियसली हम यहां पे जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स लोड, इस ट्रांसवर्स लोड की वजह से डिफ्लेक्शन होगा. इफ हियर वी हैव सम हॉरिजॉन्टल लोड देन इट विल प्रोड्यूसेस इलोंगेशन ऑफ द बीम, यस आर नो, करेक्ट. आई थिंक समझ में आ गया शंकर, हेलो. चलिए अब यहां से हमें मिल गया बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन. नाउ अब हमें यहां पे इक्वेशन लिखना है किसका, डिफ्लेक्शन कर्व का. तो यू कैन सी हियर ई आई डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी एल, यस आर नो, ये हमारे पास इक्वेशन होगा, यस आर नो. नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस इक्वेशन
then what you will get, you can see here dy by dx equal to, here we can get px square by 2 plus, sorry, minus plx plus c1, yes or no? And again, if we can differentiate, sorry, integrate this equation, then here we can get ei into y, this is equal to px cube divided by 6 minus plx square by 2 plus c1x plus c2. तो ये equations मिलेंगे दोस्तों, yes or no? Correct है. Now you can see here, because of this load, the beam may deflected like this. कुछ इस तरीके से deflect हुआ दोस्तों. Correct है. And now you can see at this fixed point, here we have, you can see here, if I can write boundary condition. बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस बीम तो क्या आएगा दोस्तों, और इसे शॉर्ट में मैं बीसी कहूंगा ना, बाउंड्री कंडीशन. तो यहां पे क्या आएगा कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, हियर वी हैव डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो, यस आर नो? एंड सेकेंड वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यू कैन सी हियर एट दिस पॉइंट द स्लोप इज ऑल्सो जीरो, यस आर नो? डी वाई वाई dx is equal to 0. तो ये हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है जिनकी हेल्प से हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को पता कर सकते हैं. करेक्ट है. तो नाउ यू कैन सी हियर बाय अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हियर यू कैन गेट, यहां पे डिफ्लेक्शन इक्वेशन से अगर हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन से देखें तो क्या है दोस्तों, दिस इज जीरो एंड दिस इज इक्वल टू, हियर वी हैव जीरो माइनस जीरो क्योंकि एक्स जीरो है. फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई बिकम्स जीरो, यस आर नो? तो वाई जीरो हो गया, एक्स जीरो, तो दिस टर्म जीरो, दिस टर्म जीरो, प्लस दिस वन इज ऑल्सो जीरो, प्लस सी टू. तो अल्टीमेटली हमें यहां से क्या रिजल्ट मिला, सी टू इज इक्वल टू जीरो. तो इसको कर दो गायब, दिस इज इक्वल टू जीरो. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अगर अप्लाई करूं तो क्या आएगा दोस्तों, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो डीवाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो. तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या आएगा, यू कैन सी हियर दिस इज जीरो, इस डिफ्लेक्शन सॉरी स्लोप इक्वेशन से देखो, यहां पे ये टर्म जीरो आएगा, माइनस जीरो प्लस सी वन, देयर फोर सिंपली हियर वी कैन गेट सी वन इज इक्वल टू जीरो. तो दोस्तों जैसे हमने इन बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया तो हमें सी वन और सी टू की वैल्यू जीरो मिल गई, यस आर नो? करेक्ट है. तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल से बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है एंड देन यू विल गेट अ रिजल्ट, यस आर नो? देन हियर दिस इज जीरो एंड दिस इज आल्सो जीरो. तो ये हमारे पास एग्जैक्ट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिल गई. करेक्ट है. तो स्लोप की अगर इक्वेशन लिखूं दोस्तों तो सिंपली क्या लिख सकता हूं, यू कैन सी हियर ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस पी एल एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है. करेक्ट है. अब यहां पे देखो, मैं एक बार फिर से यहां पे एक बीम ड्रॉ कर देता हूं. करेक्ट है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन. सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड द डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम हियर. करेक्ट. तो दोस्तों यहां पे देखो, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स स्लोप एट ए when here x is equal to zero. क्या है दोस्तों, simply it can be written as zero, yes or no? क्योंकि x zero है तो दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे. And similarly, और इसी को दोस्तों मैं कहूंगा i at a, slope at a. Correct? dy by dx at b when x is equal to l. तो दोस्तों यहां पर क्या है, you can see here पी एल स्क्वायर अपॉन टू माइनस पी सॉरी माइनस पी एल स्क्वायर, यहां पे स्मॉल लेटर लिखा, स्मॉल लेटर लिखेंगे. करेक्ट. पी एल स्क्वायर अपॉन टू माइनस पी एल स्क्वायर इंटू वन अपॉन ई आई, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों. और जैसे मैंने इसको सॉल्व किया देन हियर वी कैन गेट माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई. करेक्ट है. तो दोस्तों अगर मैं स्लोप लिखूं तो अगर देखो यहां पे सपोज इफ आई ड्रॉ टेंजेंट
एट दिस पॉइंट देन यू कैन सी हियर यहां पे जो इंक्लिनेशन है किस डायरेक्शन में है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, दिस थीटा इज क्लॉक वाइज, यस आर नो? और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था वेन एवर वी हैव थीटा इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन द स्लोप विल बी नेगेटिव, यस आर नो? तो यहां पे देखो ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मीनिंग समझ में आया दोस्तों? एंड सिंपली यू कैन सी हियर इफ आई राइट स्लोप एट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देन इट इज सिंपली रिटन एज आई एट बी माइनस आई एट ए, करेक्ट है? और ऑब्वियसली यहां पे देखो आई एट ए जीरो है, तो यहां पे सिंपली आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आई पी, और इसकी वैल्यू हो गई माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, करेक्ट है दोस्तों? अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, तो दोस्तों याद रखना ये जो स्लोप वगैरह हम लिखते हैं ये लेंथ का फंक्शन है, मीन्स एक रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में ही हम इनकी वैल्यूज को लिख सकते हैं। हमने एक्स इस फिक्स्ड पॉइंट से मेजर किया है, करेक्ट? अगर हम किसी और पॉइंट से इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसके इसमें स्लोप की वैल्यू डिफरेंट आती है, सानो? करेक्ट है? तो जो स्लोप का इक्वेशन है इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट्स व्हाई हियर वी नीड टू फर्स्ट फिक्स द रेफरेंस पॉइंट, जब क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट पता होना जरूरी है। तो एक्चुअल में जो स्लोप हम लोग यहाँ पे फाइनल लिखते हैं माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन टू आई, दिस इज नथिंग बट दिस इज स्लोप एट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, करेक्ट? ए के रिस्पेक्ट में बी के बी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा उसकी वैल्यू होती है, करेक्ट? अगर यहाँ पे आई ए जीरो, अगर मैं सपोज यहाँ पे रेफरेंस ले लेता, दिस इज योर रेफरेंस, और मैं यहाँ पे आपको स्लोप पूछता, तो इस केस में वैल्यू क्या होती कि आप इस पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करते, इस पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करते और फिर डिफरेंस लिख देते हैं कि थीटा एट दिस पॉइंट माइनस थीटा एट दिस पॉइंट, करेक्ट? तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाती है, याद रखना, करेक्ट है? तो यहां पे जो हम स्लोप लिखते हैं इट इज विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, यस आर नो? तो आई थिंक स्लोप की कहानी समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट अब आता है डिफ्लेक्शन का, तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या है, यू कैन सी हियर सिंपली मैं यहां पे लिखता हूं y इज इक्वल टू वन अपॉन ई आई इन ब्रैकेट पी एक्स क्यू अपॉन सिक्स ई आई माइनस पी एल एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये वैल्यू होगा दोस्तों। अब चलिए यहां पे अगर मैं डिफ्लेक्शन निकालू, डिफ्लेक्शन एट ए वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली यहां पे जीरो मिलेगा, एंड सिमिलरली डिफ्लेक्शन एट बी वेन एक्स इज इक्वल टू एल, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, इट इज सिंपली रिटन एज वन अपॉन ई आई इन ब्रैकेट पी एल क्यूब अपॉन सिक्स माइनस पी एल क्यूब अपॉन टू, करेक्ट है? और इसको सॉल्व कर लो आप, तो यहां पे आपको वाई बी की वैल्यू मिलेगी, ओके, नो इशू, चलो इरेज कर देता हूं मैं इसे, ओके, करेक्ट? तो ये वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी पी एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, पी एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई नेगेटिव, और यहां पे नेगेटिव साइन क्या बताता है, इट सिंपली सेज दैट द स्लोप विल बी बिलो द रेफरेंस लाइन, यस आर नो? करेक्ट है दोस्तों? करेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, और दोस्तों लाइक करना मत भूलना लेक्चर को, करेक्ट है? लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।